हेलो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा सीएससी के थ्रू पेन कार्ड बनाने से एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक इरर आ रहा है 20 तारीख के पहले जिसको क्लियर करना है। मेक इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये। अगर आप 20 तारीख के पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको निश्चित ही थोड़ी सी तकलीफ़ होगी 20 तारीख के बाद इंस्टॉलेशन करने में और पेन कार्ड बनाने में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इरर बता दूं, सीएससी लॉगिन करने के बाद आप सर्विस में जाएंगे, पिन कार्ड सर्विस में जाना है। जिस तरह से हम पिन कार्ड बनाने के लिए क्लिक करते हैं वैसे ही, ये देखिए ये यूटीआई का साइट खुला और अब हम इसके अंदर क्लिक करें और ये अंदर आ गए। ये देखिए, डियर यूजर्स काइंडली नोट दैट वीएलई विल बी अनेबल टू एक्सेस एप्लीकेशन आफ्टर 20 सितंबर। ये जो मैसेज आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको क्लियर करना है। यही है मैक इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको हटाना है, क्लियर करना है। अभी मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पर एक GRE फाइल डाउनलोड करनी है। ये है वो GRE फाइल। ये किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक लिंक दे देता हूँ, बहुत ही आसानी से वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका सिस्टम कितने बीट में चल रहा है। ये देखने के लिए हम माई कंप्यूटर पे प्रॉपर्टी में जाएंगे और इन्फॉर्मेशन, रेटिंग, प्रोसेसर, इंस्टॉल मेमोरी सॉरी, और सिस्टम टाइप, देखिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट चल रहा है इस सिस्टम पे। आप अपने सिस्टम पर देख लीजिए, देखने के बाद ही इसे डाउनलोड करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। एक ड्राइव खुलेगा, उसमें से आपको सेव करना है, डाउनलोड करना है। चलिए अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। रन करना है, ये थोड़ा सा समय लेगा इंस्टॉल होने के लिए, इसको थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पर आपको चेंज डेस्टिनेशन फोल्डर आ रहा है, इंस्टॉल और रिमूव, तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इस तरह से इंस्टॉलिंग होगी। थोड़ा सा समय लगेगा, ये लगभग 1-1.5 मिनट। तो यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल जावा मैसेज आ गया है, सक्सेसफुली इंस्टॉल। अब हम इसको क्लोज करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है देखेंगे। माई कंप्यूटर में जाकर आपका प्रोग्राम फाइल के अंदर ये जावा नाम का फोल्डर आ गया है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसके अंदर 9 आइटम होने चाहिए, 9 चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद आपको इसके एड्रेस को कॉपी करना है। ये हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से बाहर आए। उसके बाद आपको जाना है माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में। यहाँ पर आप देखेंगे ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग। एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग में आपको क्लिक करनी है। ये एक छोटा पॉपअप खुला सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का। इसमें सबसे नीचे है एनवायरनमेंट एंड वेरिएबल्स में क्लिक करना है। इसमें
आपको पहले पे ऑप्शन मिलेगा न्यू, एडिट और डिलीट, और फिर नीचे से डबल में, डबल से दिया हुआ है न्यू, एडिट और डिलीट। हमको ऊपर वाले न्यू में जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है कैपिटल लेटर में GRE अंडरस्कोर होम, और नीचे में आपको जो लिंक अभी हमने कॉपी किया, जो एड्रेस कॉपी किया है जावा फोल्डर का, उसको पेस्ट कर देना है और करना है ओके। यहाँ फिर ओके, और यहाँ भी ओके। इसके बाद क्लोज कर देनी है और आपको एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद हम फिर से आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके हम फिर वापस आ गए हैं। अभी तक हमने क्या किया, JRE फाइल को डाउनलोड किया, जो भी हमारा सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम का बीट था, 64 या 32। उसके बाद उसको इंस्टॉल किया और वेरिएबल नेम वगैरह ऐड किया और सिस्टम को रिस्टार्ट करें हैं। अब आगे की प्रोसेस, हमने CSC लॉगिन कर लिए हैं। CSC लॉगिन करने के बाद हमको पैन की सर्विस में जाना है। ये पैन की सर्विस में हम जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो एक मैसेज था, एरर था मैक इंस्टॉलेशन प्रोसेस का, उसको हटाने के लिए हमको डाउनलोड मैक यूटिलिटी फॉर विंडोज़, 64 बिट है तो 64 और 32 है तो 32। 64 है मेरा, मैं 64 बिट इंस्टॉल किया, ये मेरा इंस्टॉल हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद, और इसको हम सी ड्राइव में, देखिए ये सी ड्राइव में मैंने क्लिक किया और ओके किया। आप चेक करेंगे सी ड्राइव में आने के बाद, ये मैक्यूलिटी नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, जिसे हमने जस्ट अभी एक्सट्रैक्ट किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ सर्च ऑप्शन पे हमको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, ये आ गया, राइट क्लिक करना है, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे, ये खुल गया। इसके बाद हमको इसमें लिखना है CD backslash इंटर। सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे CD स्पेस, उस फोल्डर का नाम MACUTILITY, मैक्यूलिटी, CD स्पेस मैक्यूलिटी, इंटर करेंगे। फिर से SERVICE सर्विस डॉट BAT स्पेस इंस्टॉल INSTALL और इंटर। एक छोटा सा प्रोसेस चलेगा, इसमें आपको मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद हम इसे एग्ज़िट कर देते हैं। अब हम एक बार पेन सर्विस में फिर से जाकर देखते हैं कि हमारा सक्सेसफुली मैक इंस्टॉल प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। ये अभी हमने थोड़े समय पहले लॉगिन किया था, इसलिए ये ऐसा बता रहा है। इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर लें, या फिर हिस्ट्री में जाकर क्लियर डाटा कर लें। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। लास्ट 7 डेज़ को मैं कर लेता हूँ, लास्ट हावर
और यह क्लियर डाटा। पिछले घंटे में मैंने जो भी काम किया है, जो भी सर्च किया, वो सारी हिस्ट्री इरेज हो जाएगी। चलिए इसे क्लोज करें, फिर से हम एक बार लॉगिन करके देखते हैं सीएससी पोर्टल पिन कार्ड में। लॉगिन किए, पिन की सर्विस क्लिक करके देखते हैं हमारा एरर हटा है या नहीं। कभी कभी होता है कि हमने इंस्टॉल सही तरीके से किया है लेकिन एरर नहीं हट पाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप पहला तो यहाँ से जा करके देख लीजिए। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सर्विस, ये सर्विस आ गया, इसे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से चेक कर लेंगे, इस नेम वाले में यू टाइप करेंगे आप। ये देखिए यूटिलिटीज़ मैक्यूलिटी यहाँ लिखा है स्टार्टेड। अगर यहाँ स्टार्टेड ना हो, स्टॉप लिखा हो, तो आप इस रीस्टार्ट पे क्लिक करके इसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे स्टार्टेड लिखा हुआ आ गया है। किसी कारण से अगर ऐसा नहीं होता है, आप सर्विस में नहीं जा पाते हैं, तो आप सिस्टम को एक बार स्टार्ट कर लें, आपकी सर्विस चालू हो जाएगी। चलिए पेन कार्ड सर्विस में जाकर देखते हैं हमारी सर्विस चालू हुई है या नहीं। देखिए अभी हमने यूटीआई का पेन सर्विस खुल गया है और हमको ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। जो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। वो शायद ये जो इन्फॉर्मेशन जो पहले दिखाया था, ये अभी नहीं आ रहा है। देखिए तो हमारा सक्सेसफुली मैक इंस्टॉलेशन प्रोसेस हुआ है। आप भी इसी तरह से पूरा कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ मेरे वीडियो में समझ ना आ रही हो, या ऐसा कुछ जो मैंने छोड़ दिया हूँ, या आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। और एरर को 20 तारीख के पहले आप क्लियर कर सकते हैं।